मध्य प्रदेश बजट 2019 कमलनाथ सरकार की मध्य प्रदेश बजट 2019 की प्रमुख घोषणाएं। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज में और मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बजट 2019 और 20 के विषय में, जिसमें कि प्रमुख घोषणाएं कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं कमलनाथ सरकार द्वारा। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों नया समय आज शुरू करते हैं आज का विषय, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दोस्तों मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने राज्य का वर्ष 2019-20 का बजट पेश कर दिया है। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, वहीं जनता पर कोई भी अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डाला गया है। बजट को लेकर प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष ने जहां बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि यह खाली खजाने के बीच मध्य प्रदेश की खुशहाली का बजट है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बजट में किसान, युवा, गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और मध्यम वर्ग के हित में जो चिंता की गई है, उससे अगले 5 साल में प्रदेश का वास्तविक विकास का नक्शा बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट नए मध्य प्रदेश के निर्माण का ऐसा आईना है जिसमें समृद्ध प्रदेश की तस्वीर साफ दिखलाई देती है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि पिछले 6 माह में खाली जगहों खजाने के बावजूद प्रदेश के विकास की दिशा में सुविचारित कदम उठाए गए हैं। जनता से किए गए वचनों को पूरा करने की इच्छा शक्ति इस बजट से स्पष्ट होती है। ग्रामीण विकास के साथ शहरी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। औद्योगिकी के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी योजनाओं का प्रावधान किया गया है। पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था भी इस बजट के द्वारा करने की कोशिश की गई है। आइए जान लेते हैं बजट की प्रमुख खास बातों के कौन कौन सी बजट की प्रमुख खास बातें जिसमें कि इस बजट में दर्शाई गई है तरुण भनोट द्वारा। आइए जान लेते हैं पूरे को विस्तार से। दोस्तों पहले बड़ी खबर खास बात है, जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। उसी के साथ डुमना नेचर सफारी का प्रावधान किया गया है। 6 माह में 2000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। सड़क के आसपास की शासकीय भूमि का उपयोग वित्त पोषण के लिए करने पर विचार किया गया है। इसी के साथ भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटीज़ के लिए भारत सरकार के साथ MOU हुआ है। दतिया, रीवा, उज्जैन और छिंदवाड़ा को वायुसेवा उपलब्ध और वायुयान उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। प्रदेश में बिजली की समस्या भी गंभीर है, इस पर भी निराकरण करने के लिए भी जो है इसके लिए बजट पेश किया गया है। विद्युत वितरण कंपनियों को अधिक धन उपलब्ध कराना पड़ा है। इसी के साथ 1489 मेगावाट की पूर्ति की जाएगी और श्रमिकों के लिए नया सवेरा कार्यक्रम योजना का शुरुआत की जाएगी। तो नया सवेरा योजना क्या रहेगी उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें कि आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। श्रमिकों के लिए नया सवेरा योजना, छिंदवाड़े में नवीन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, छिंदवाड़ा के लिए बड़ी घोषणा की जाएगी। इसी के साथ झाबुआ में नवीन विश्वविद्यालय की शुरुआत की जाएगी और इसी के साथ पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का निर्णय लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। 821 करोड़ का प्रावधान इसमें बजट में रखा गया है। आदिवासियों के लिए 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। आदिवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि उनके लिए 1 लाख रुपए तक के ऋण का माफ़ किए जाएंगे, ये बजट में इसको प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें आदिवासियों के संरक्षण एवं उनके कुल के ग्राम के देवताओं के लिए मड़िया सामुदायिक भवन निर्माण के लिए अनुष्ठान आयोजित योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। यदि हम सीधी बात भाषा में समझें तो आदिवासियों के लिए जो मठ मंदिरों का निर्माण है वह इनको निःशुल्क रूप से बनवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और वह इन्हें बनवाने के लिए इन्होंने अपने बजट में इसके लिए अनुदान राशि को बनाया गया है। इसी के साथ हम बात करें कन्या विवाह योजना की, तो कन्या विवाह एवं निकाह योजना में सरकारी सहायता की राशि 51,000 रुपये किया गया है, जिसमें कि उन्होंने अपने वचन पत्र में इसे दिया गया था, उसको भी इन्होंने अपने बजट में ले लिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति, आवास एवं कोचिंग विदेश के लिए आर्थिक अनुदान भी पर्याप्त प्रावधान प्रस्तावित है और इसमें इन्होंने इसके बारे में भी पर्याप्त साधन को जुटाया गया है। इसी के साथ हम बात करें
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल अकादमी और स्विमिंग अकादमी प्रस्तावित है और इसमें इसके भी बजट में उन्होंने लिया गया है। इसी के साथ हम बात करें किसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बजट में कौन किस विभाग को कौन कौन सी योजनाओं को कितनी कितनी राशियाँ उपलब्ध कराई गई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आप स्क्रीन पर सारी चीज़ें देख पा रहे हैं और उसको आप पढ़ भी सकते हैं, आसानी से उसको पढ़कर आप इसको समझ सकते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से विभाग को कितनी कितनी राशियां प्रस्तावित की गई है। उस विषय में कुल विनियोग राशि का 23,305 करोड़ रुपए दिया गया है विनियोग को, शुद्ध व्यय 4,085 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विनियोग की राशि में 20% की वृद्धि की गई है, पूंजी व्यय में 21% कमी हुई है वृद्धि, कृषि विभाग के लिए 66% की वृद्धि कर वृद्धि की गई है। इसी के साथ जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, अर्थात कृषि कर्ज माफ़ी के लिए उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गेहूं के बोनस की हमारे पास बहुत कमेंट्स आ रहे हैं गेहूँ के बोनस के लिए, तो गेहूँ के बोनस में इन्होंने 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और जल्द ही गेहूं के बोनस की भी घोषणा कर सकते हैं, कब तक इनके बोनस डल सकते हैं उसके विषय में। यदि हम बात करें कृषि क्षेत्र में रोजगार के लिए तो 100 करोड़ का प्रावधान कृषि क्षेत्र में रोजगार के लिए दिया गया है। पेंशन और कन्यादान योजना में बढ़ोतरी कर 2,891 रुपये करोड़ रुपये किया गया है और युवा स्वाभिमान योजना में 330 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यदि हम बात करें लैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाए जाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसी के साथ हम बड़े आगे और बात करें राइट टू वाटर के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुषेण संजीवनी योजना लागू की जाएगी, बजट में स्वास्थ्य के लिए अधिकार को मिली जगह मिलेगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 3,34,067 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुसूचित जनजाति वित्त निगम के माध्यम से दिए गए 1,00,000 तक के ऋण माफ़ किए जाएंगे, ये भी बड़ी बात है जिसमें कि उन्होंने इसमें निर्धारित किया गया है। इसी के साथ हम बात करें अनुसूचित जनजाति उपयोजन के लिए 22,793 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सड़क निर्माण एवं सिंचाई योजना के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था दी गई है। कृषि क्षेत्र को मिला 4,65,059 करोड़ का बजट। जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,201 करोड़ का रुपए का प्रावधान किया गया है। यदि हम बात करें उद्यानिकी विभाग के लिए तो 1,116 करोड़ का प्रावधान उद्यानिकी विभाग के लिए दिया गया है। वन विभाग की बात करें तो वन विभाग की योजनाओं के लिए 2,757 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। सहकारिता विभाग के लिए 2,583 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ पशुपालन विभाग की बात करें तो पशुपालन विभाग की योजनाओं के लिए 1,204 करोड़ का प्रावधान पशुपालन के लिए किया गया है मध्य प्रदेश के बजट में। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 17,186 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। नगरीय निकाय विकास एवं आवास के लिए 15,665 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण के लिए 9,220 करोड़ रुपए का प्रावधान मध्य प्रदेश बजट में किया गया है। इसी के साथ हम बात करें नर्मदा घाटी के लिए 3,322 करोड़ का प्रावधान मध्य प्रदेश के बजट में किया गया है। और बात करें सिंचित परियोजनाओं में पूंजीगत मद में 6,877 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की योजनाओं के लिए 4,366 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यदि हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र की तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने 24,499 करोड़ का प्रावधान किया है स्कूलों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और तकनीकी शिक्षा अर्थात टेक्नोलॉजी की बात करें तो तकनीकी शिक्षा के लिए 1,666 करोड़ रुपये का प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट में किया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए 7,492 करोड़ रुपए का प्रावधान उन्हें उत्थान के लिए किया गया है। और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 821 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति विभाग के लिए 1,696 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अनुसूचित जाति छात्रावास के लिए 294 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसी के साथ बात करें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की, तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 7,547 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा अर्थात मेडिकल की बात करें तो चिकित्सा विभाग के लिए 2,309 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आयुष विभाग की बात करें तो आयुष विभाग के अंतर्गत 481 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत 5,292 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत 9,888 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग में 1,012 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योगों विभाग के लिए अंतर्गत 1,121 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संस्कृत विभाग को 226 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विभाग को 229 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत 2,891 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ हम बात करें गृह विभाग की योजनाओं के लिए 7,634 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र के लिए 122 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। और अंतिम बात, एक और बात जो बच गई है वो विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत 2,210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से हमने आपको अभी पूरा बजट बताया जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा के जो मंत्री हैं उनके द्वारा तरुण भनोट द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इन इन विभागों को इतनी इतनी राशि को आवंटित किया गया था। तो आशा करते हैं दर्शकों आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और यदि से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले और सत्यतापूर्वक जान प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्रम न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आज रहते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।